प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लेकर भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट जारी होने के बाद सागर विधानसभा से चौथी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सागर विधानसभा में जीत रहे शैलेंद्र जैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। पूरे प्रदेश में अपने व्यक्तिगत व्यवहार और मजबूत जमीन को लेकर शैलेंद्र जैन का नाम प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में लिया जाता है। टिकट की घोषणा होते ही सबसे पहले शैलेंद्र जैन ने सागर के बड़ा बाजार क्षेत्र में स्थित रामबाग मंदिर में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और सागर की आम जनता द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया गया। मीडिया से बात करते हुए शैलेंद्र जैन ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लगभग बीते 30 साल से सागर विधानसभा किसी कैबिनेट मंत्री का इंतजार कर रही है और सागर की जनमानस की इस भावना को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जरूर लेकर जाएंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 150 अधिक सीटों पर एक बार फिर सरकार बनाएगी। देखिए, मंत्रिमंडल का निर्माण करना, ये जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन मैं सागर की जनता की भावनाएं ज़रूर वहां तक पहुंचेंगी, ये मेरा विश्वास है। सागर में लगभग 35 साल वर्ष हुए जब से सागर किसी कैबिनेट मंत्री का इंतज़ार कर रहा है और मुझे इस बार लगता है कि बिहारी जी सरकार और हमारे रामबाग मंदिर में जहां हम लोग यहां खड़े हैं, ये हमारे सब आराध्य हैं। इस बार हमें निराश नहीं होने देंगे, सागर की जनता को निराशा हाथ नहीं लगेगी, सागर की जनता के साथ न्याय होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास। भाजपा इस बार कितने सीटों से जीतेगी? देखिए, भाजपा जो है स्पष्ट बहुमत के साथ आज की तारीख में लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 150 सीटें तो आज हम ये कह सकते हैं। लाडली बहना जो है हमारे इस पॉलिटिकल गेम का गेम चेंजर बन के आया है और मातृशक्ति ने जितनी विश्वास, जितना सरकार के प्रति आस्था व्यक्त की है, ये निश्चित रूप से विस्मरणीय है और मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ना केवल हमारी लाडली बहनाएं और इस शहर के जो भी जागरूक लोग हैं, जो शहर के विकास में जिनकी दिलचस्पी है, वो तमाम लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत के आएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तीन बार से आप लगातार जीत के आ रहे, चौथी बार क्या मानते हैं, कितने वोटों से आप विजयी होंगे? मैं चूँकि ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन लोगों का उत्साह, लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास का जो प्रकटीकरण है, वो जो देख पा रहा हूँ, उसको देख के मैं कह सकता हूँ विश्वासपूर्वक के हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सागर के पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ के और एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान बनेगा और इसकी जीत की गूंज जो है भोपाल और दिल्ली तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा अनुमान। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।